यहाँ पे हम लोग तेल डलवा रहे हैं, हमारा नंबर आने वाला है आपको ऑन द वे। हम लोग किधर किधर मतलब जाएंगे, कहाँ कहाँ मतलब वो सारी भी मैं क्लिप मतलब थोड़ी छोटी क्लिप इसमें डाल दूंगा, आप लोग देख पाएंगे अच्छे से क्या क्या हम लोग करेंगे क्या नहीं। ठीक है, यहाँ से ये लोग जैसे कि देख ही पा रहे होंगे दूल्हे का रथ, और ये स्टार्टअप टाइम जाता है दूल्हे के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है। रात को ये सब लाइटिंग वाइटिंग जलती है इसमें, तो बहुत अच्छा ही मतलब व्यू आता है इसका, ज़बरदस्त लुक है। तो आप लोग इस रथ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लुक है। और ये सब लाइटें जो रात को ना जलती है, अलग अलग कलर की लाइटें, तो बहुत ज़बरदस्त मतलब लगता है इसका लुक। भाई हम लोग आए थे शूट पे, यहाँ पे कुछ मिल गई है हमें ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, अब इस ऑर्केस्ट्रा को हम देखेंगे और फिर उसके बाद ही रील बनाएंगे या फिर वीडियो बनाएंगे। अब ये हमारा कलाकार, ये देखिए ये हमारा कलाकार है, हाय बोलो। और ये भी हमारा कलाकार है, हाय बोलो भाई सब लोग। और ऑर्केस्ट्रा चलते हैं देखते पहले देखिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे जा रहे थे हम लोग सीधा, लेकिन मिल गया इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं शूट वगैरह। अब दिखाते हैं सिसवा का जो पार्क बना है, बुद्धा पार्क, उसका लोकेशन यही है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ लोग शूट कर रहे हैं, और यहाँ से एंट्री गेट है, लगता है लॉक है, दूर से जब देखिएगा तो लगेगा लॉक है, लेकिन यहाँ से छोटा वाला जो दरवाजा है अनलॉक है। यहाँ से आप लोग इजी वन पर्सन एक बार में एंट्री कर सकता है। और कुछ देख लीजिए इसका डिजाइन, मतलब जो आप लोग प्रीव्यू कोई नहीं दिया होगा, मैं दे रहा हूँ पहली बार। और यहाँ पे जो है रास्ते वगैरह डिजाइन वगैरह खूब बेहतरीन बना हुआ है। और ये हमारे कुछ लोग हैं जो बिहाइंड सीन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे शूट कर रहे हैं, और वहाँ भी कुछ लड़के लोग हैं जो वो लोग भी शूट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोकेशन अच्छा है, इसलिए शूट किया जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है नीतीश कुमार का लोगो लगा हुआ है। और उसके बाद जो है सारा सीन जो है, ये देखिए ये बुद्धा को जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये बुद्धा वाले जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगी हुई है। और कुछ स्टे करने के लिए यहाँ पर चेयर्स वगैरह भी, एंट्री गेट है वो कुछ ऐसा व्यू आता है इसका जो आप लोग देख सकते हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं नारियल का पेड़ लगा हुआ है, और ये कुछ बरगद के पेड़ वगैरह हैं। और यहाँ पे भी एंजॉय करने की जगह है, मतलब बैठ के आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली वैमिली के साथ आ सकते हैं। और दरअसल रहा बात जहाँ तक की सवाल बुद्धे की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुद्धा वाली जो सीन है वो इस तरह की है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं कि बुद्धा पार्क हमारे सिसवा वाला जो पार्क है वो कैसा है, तो आज मौका मिला है तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यही बुद्धा पार्क है, और यहीं पे हम लोग आए हुए हैं शूट करने के लिए। हमारे कुछ लंडे लोग हैं वहाँ पे जो शूट कर रहे हैं, तो आज जो आप मैं सोचा कि आप लोगों को ये दिखा दिया जाए कि यहाँ पे सिसवा में जो पार्क है वो कैसा है, पार्क क्या है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे श्री राजू तिवारी, ये जो निर्देशक हैं यहाँ के जो बनाए हुए हैं, उनका लोगो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ मतलब कि दान पेटी हैं, जो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे कुछ पैसे डोनेट कर सकते हैं, तो इसकी मतलब मैट्रेस के लिए काम आएगा, यूज़ किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें बना हुआ है। अब बाकी जो चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्राउंड थी, और यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। हम यहाँ भी रील बनाएंगे और बिहाइंड सीन आपको दिखाएंगे। और कुछ हमारे ये जो कलाकार हैं, देखिए ये लोग बिहाइंड सीन का मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो भी सीन मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे लोगों के लिए झूला वगैरह भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पे भी आकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे भी। तो बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए आपको, तो मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और यहाँ पे कुछ लगता है क्या है आखिर इसमें, क्या मतलब सिस्टम है इसका, वो चीज़ देखते हैं। ये गड्ढा जो है पता नहीं किस चीज़ का है, शायद फ्यूचर में इसको भी तालाब वगैरह बनाया जाए, इसके लिए ये बनाया गया होगा, लेकिन आई थिंक ये कुछ जगह ही है, मतलब ऐसे ही बना है। वहाँ पे सामने कल वगैरह भी है पानी वानी के लिए, आप यूज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, स्वच्छता अभियान का ये मतलब है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का है ये, यहाँ पे लगा हुआ है। ये लगा था 2020 में ही, मतलब ये बना है, ये मतलब ये पार्क जो है 2020 में बना है, 3-4 साल हुआ है। आगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का मतलब व्यू है। यहाँ पे पेड़ वगैरह भी काफ़ी हरियाली में है, अभी तक पेड़ के पत्ते मतलब निकले नहीं हैं। और वो सब जब केले वेले देख रहे हैं वो मतलब इस पार्क में नहीं है, पार्क के बाहर की एरिया है वो, तो आप लोग उसको मतलब यहाँ पे जो रास्ते हैं ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं।
मैं आप लोगों को ये सीने दिखा देता हूँ इस तरह करके। ये इस तरह की सीने हैं और यहाँ पे भी कुछ लड़के लोग कर रहे हैं सूट लगता है। और ये भी मतलब एक पेड़ जो है ये मतलब अभी बच्चा ही है, 2-3 साल ही हुए है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, बच्चा है सब पतला पतला है। बाकी ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे एक कल भी लगा हुआ है। ये जो कल है ये पहले वाला सरकारी जो कल होते थे वो है, जो पंप वाली सिस्टम है वो है, हमारी देसी वाली कल नहीं है। यहाँ पे पानी की भी कोई मतलब टेंशन नहीं है, शायद लगता है यहाँ पे लोग यहाँ के जो करीबी लोग हैं वहाँ पे नहाते हुए हैं, पूरा यूज करते हैं मतलब। ये है आम का पेड़, ये भी इस पार्क में ही है, वो जो केला वाला है सब बाहर है, इस पार्क में नहीं आता है। तो ये सीन देख लीजिए आप। बता दिया ये एंट्री गेट था और ये बुद्धा का हमारे सीन था, ठीक है ना। आप लोगों को